हाउ टू कलर ग्रेड योर फोटोज़ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब हाँ, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर कोई भी करो पर आपको उसमें बेस्ट रिजल्ट के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो उसका पहला चीज़ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ आपको, ये है कि आप उसकी फ़ोटो की कॉन्ट्रास्ट को पूरी कम कर दो लाइटरूम में इम्पोर्ट करने के बाद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो गाइस, ऐसी आपकी फ़ोटो रहती है, आप उसमें अगर कंट्रास्ट को पूरी कम कर देते तो आपकी फ़ोटो बहुत फीकी फीकी सी डल लगती है। बट आप इस चीज़ को कर्व में आके सुधार सकते हो, जस्ट लाइक दिस। आपको कर्व में आना है, जब कंट्रास्ट आपने पूरा कम कर लिया है उसके बाद आप कर्व से कंट्रास्ट दो। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी डायनेमिक रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और वो एक परफेक्ट कलर की तरफ भी आपकी फ़ोटो बढ़ने लगेगी। तो पहला चीज़ आपको इसको ध्यान में रख लेना है। एंड कर्व का पॉइंट्स मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हो मैं एस कर्व ही प्रीफर करता हूँ, बिकॉज वो मोस्टली मतलब ग्लोबल कर्व है, हर फोटो पर काम आता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है अब हमारी फ़ोटो पर ज़्यादा बेटर आ गया है। नाउ अब हमारा थोड़ा जो छुटपुट से सेटिंग्स होती है आप वो देख सकते हो लाइट्स वगैरह की, पर उसके बाद मैं आपको बोलूँगा आप जाओ स्प्लिट टोन में। स्प्लिट टोन में आप अपनी फ़ोटो पे जाओगे, हो सकता है वहाँ पे कलर्स ज़्यादा ना दिखे, तो बेटर यही होगा आपके लिए कि आप उसमें हो सके जितना हो सके वहाँ पे सेट करने की कोशिश करो। शेडोज़ में आप ब्लू के सिवा कोई कलर प्लीज़ मत ऐड करना, या तो आप उसमें ब्लू कलर ऐड करो जैसे मैंने किया, या तो आप एक और कलर बोलोगे तो वो है एकदम ही ज़्यादा वार्म येलो कलर, तो आप वो कलर जो कि फिर आपको हाईलाइट्स में पूरे ग्रीन और येलो जो हम सिनेमेटिक्स हॉलीवुड स्टाइल देखते हैं ना कलर का, वो बनेगा। या तो फिर आप शेडोज़ को ब्लू करो तो वो परफेक्टली ग्लोबल कोई भी कलर पर मैच हो जाएगा। उसके बाद आप कर्व पे आके कलर कर्व, जो ब्लू कलर का कलर कर्व होता है, आप उससे आके उसे सुधार सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, पूरे शेडोज़ को ब्लू कर दिए एंड हाइलाइट्स में थोड़े से रेड्स रखे हुए हैं, रेड्स एंड ऑरेंज। अब हम इसमें मिक्स में आके स्किन टोन पे ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एक प्रीसेट बनता है, जब हम देखते हैं ना, प्रीसेट का परफेक्ट रूल तो यही होता है कि आप उस फोटो की कंट्रास्ट कम करके कंट्रास्ट कर्व से ऐड करो। जो हम XMP प्रीसेट्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वो कुछ इस तरह से ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो ये वाली होती है डन, जो कि कलर्स का काम था डन। अब हम जाएंगे सेलेक्टिव टूल्स के अंदर एंड सेलेक्टिव टूल्स में एज यू कैन सी मैं यहाँ पे ऐड किया ऊपर में, देखो जहाँ पे भी ब्राइट एकदम वाइट स्काई आ जाए ना, फिर वो फीकी फीकी इमेज है। आपको उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, या तो आप उसे थोड़ा येलो की तरफ शिफ्ट कर दो जैसे कि मैंने किया है, और आप उसे थोड़ा सा एक्सपोजर दे दो। उससे क्या होगा, आपकी फ़ोटो में थोड़ा सा वाइट्स जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो फिर थोड़ा नेचुरल मतलब कुछ अच्छा यूनिक दिखता है। यार कितने वाइट स्काई दिखाओगे, कोई देखना पसंद नहीं करता। तो कुछ ऐसे तरह से वो एक गोल्डन आवर टाइप का इफेक्ट आ जाता है। और नीचे से ग्रेडियंट डालना मत भूलना अगर आप सन का यूज़ कर रहे हो, बिकॉज हर जगह इक्वली वाइट्स नहीं रहेंगे, थोड़ी डार्कनेस भी आएगी अगर पीछे गोल्डन आवर है। तो दैट्स हाउ वी कैन मेक अ गुड लुकिंग पिक्चर। अब अपन बात करते हैं हमारे फ़ोटो, मतलब मैं जो फ़ोटो क्लिक किया उस पर वर्क करते हैं। तो ये वाली फ़ोटो थी एंड यहाँ पर मैं आपको वार्म कलर दिखाऊँगा जो मैंने बात कर रहा था हॉलीवुड टोन्स। तो यहाँ पे भी मैं कंट्रास्ट को पूरा कम करके इस पर वर्क करूँगा एज यू कैन सी। अब यहाँ से फिर हम देखो, मैंने प्रीसेट्स अगर वाला मैं जो मैंने सेम उस फोटो में डाला था लगाया यूज़ किया उसको मैं इसमें डालता हूँ प्रीसेट करके, तो आप देख सकते हो इफेक्ट कुछ ऐसा आ जाता है। बट यार देखो, प्रीसेट हर फोटो पर अच्छा नहीं लगता, तो इस फोटो पर भी अच्छा नहीं लगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो हम उसमें थोड़े बहुत सेटिंग्स किए जैसे कि आप देख सकते हो, और फिर हमारी इमेज में अच्छे से लुक आने लग गए, एक वार्म टोन। हर फोटो की या तो वो कूल टोन की तरफ जाएगी या तो वो वार्म, बीच में कभी नहीं रहेगी आपकी फ़ोटो। तो आपको वो चीज़ को ज़रूर देखना है कि आपकी फ़ोटो किस तरफ जा रही है, कूल करके देख लो उससे पहले। कूल में मेरी फ़ोटो तो सूट नहीं हुई क्योंकि वो जो प्रीसेट बनाया था वो कूल के लिए ही था, तो मैंने उसे थोड़ा वार्म कर लिया। वार्म कैसे किया, टेम्परेचर से। बाकी जो छोटे मोटे सेटिंग्स है यार, क्लैरिटी टेक्सचर ऑलरेडी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सब मैंने ऐड किया है। एंड कुछ इस तरह से हमारी इमेज जो है फाइनल निकल के आ चुकी है। तो आगे हम अब बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इन लाइटरूम। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन सबको पता होगा, हम फोटोशॉप पे यूज़ करते हैं मोस्टली, और पिक्सआर्ट में भी एक आ गया मेथड, बट वो बहुत लेंदी है और उसके सेम रिजल्ट्स मैं आपको लाइटरूम के अंदर दिखा सकता हूँ। सो चलो अब बढ़ते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन मेथड की तरफ। सो दिस इज़ माई रॉफ पिक्चर एंड इस पर हम वर्क करेंगे। सो यार देखो, कभी भी फ्रिक्वेंसी सेपरेशन पर वर्क करना है तो उसको सबसे शुरुआत में करना, लास्ट में नहीं करते। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेलेक्टिव टूल्स में एंड यहाँ से पेंट वाला
ब्रश चूज़ करेंगे, आपको अपने फ़ोटो के डायमेंशन को समझना है किस एरिया में डार्क है एंड किस एरिया में ब्राइट है। तो आपको डार्क डार्क एरिया को पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको उसकी क्लैरिटी कम करनी है। दिस इज़ ओनली फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यार। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में होता ये है कि वहाँ पे आपकी टेक्सचर रहती है, तो यहाँ से हमें क्लैरिटी को कम करेंगे तो कलर्स स्प्रेड हो जाएंगे। टेक्स्चर को हम कम ना करके हम उसे बढ़ा सकते हैं और शार्पनेस को भी बढ़ा सकते हैं। टेक्स्चर अगर आपको कम करनी है तो आप कम कर लो, ओके, स्मूथ तो हो जाएगा, कलर भी स्प्रेड हो जाएगी। शार्पनेस को बढ़ा देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ दिस फ्रीक्वेंसी दैट आर द टेक्स्चर्स इन योर पिक्चर, तो वो वहाँ पे आ जाएगी। सिंपल एज दैट। बस मैं ये बोलूँगा एक साथ पूरे स्किन को मत करना, बहुत ही ख़राब दिखेगी, क्योंकि क्लैरिटी कम करने से ब्लैक और वाइट स्प्रेड होते हैं, एक दूसरे पे मिक्स होते हैं। तो हम ब्लैक पे बस करेंगे तो ब्लैक्स एरिया वाले मिक्स होंगे एंड वो एक अच्छा सा लुक देंगे, और वाइट पे करेंगे तो वाइट वाले होंगे। सो दिस इज़ सिंपल एज दैट। तो हमने इस फोटो पे किया, आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में रिजल्ट्स एकदम हाई फाई नहीं दिखते, उसमें नेचुरल दिखते हैं। सो दैट्स वॉट वी हैव डन हियर। और आपको पिंपल्स रिमूव करने तो आप हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ तो कभी भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी सेपरेशन मेथड है छोटा सा, जो आपको पिक्सआर्ट में बहुत लेंदी करके बताया गया है, एंड उसमें आप थोड़ा सा एक्सपोजर वगैरह को सेट कर सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते रहे, आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी वाइट पार्ट्स की एंड ब्लैक पार्ट्स की। तो वाइट पार्ट्स पे मैं क्या किया, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, वाइट्स शाइनी वाइट्स हो गए। ब्लैक को मैं कुछ ना करके आप उसकी कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हो, या फिर डार्क करना है तो आप उसकी एक्सपोजर को कम कर सकते हो। तो आपके पास एक क्रिएट हो जाएगा डायमेंशन, जो कि आपको डॉज एंड बर्न का भी हेल्प करेगा। तो हो गया ना हमारा FS प्लस डॉज एंड बर्न हमारी लाइट रूम के अंदर में। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यार देखो, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब आपका ये स्मूदन वाला काम हो जाएगा, देन आपको वहाँ पे नॉइज़ ऐड करना है। तो आपको पूरे फेस की सिलेक्शन को ले लेनी है, पूरे फेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे फेस, मतलब आपने बियर्ड होगी तो बियर्ड पे मत लेना प्लीज़, आप उसको सिर्फ फेस पे लो जहाँ पे आपका स्किन है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये शार्पनेस वाली तरफ में आना है, एंड आपको नॉइज़ को, अगर आप नॉइज़ को आगे बढ़ाते हो तो साइज़ बड़े साइज़ में नॉइज़ आएगा, एंड आप अगर उसे कम करते हो तो वो छोटे साइज़ में आएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से चाहिए। तो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली मेक योर स्किन लुक स्मूथ प्लस ऑल्सो वेरी टेक्स्चरफुल। तो यहाँ पे हमारे दो काम हमने किया, पहला स्मूथ किया, दूसरा कलर को स्प्रेड किया, तो हमारा फोटो जो है डार्क भी नहीं लग रहा है और ज़्यादा ब्राइटन भी नहीं लग रहा है। एंड उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, नॉइज़ डाला। तो ये अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो एक परफेक्ट टेक्स्चर फेस आपके फ़ोटोज़ में आ जाएगा। और अगर आपके पास और कोई एप्लीकेशन यूज़ करने भी नहीं आता तो आप लाइटरूम से ही सारा चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। पिक्सआर्ट में यार थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है तो वो अवॉइड करो। और बाकी आप अपने पूरे ओवरऑल इमेज में भी ग्रेन्स डाल सकते हो, जिससे क्या होगा स्किन पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ग्रेन्स बाहर पे नहीं दिखता बिकॉज स्किन थोड़ा ब्राइट रहता है। तो आपने ये सेटिंग्स फॉलो करनी जो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डाली हुई है ग्रेन का। तो मैंने साइज़ को बहुत बड़ी रखा पहले तो मुझे बहुत ख़राब दिखी, अब देखो ये जो परफेक्ट है यहाँ पे थोड़ी साइज़ कम हो जाती है। आपको बड़े ग्रेन पसंद है आप बड़ा भी डाल सकते हो, मैंने बहुत सारे फ़ोटो में ऑलरेडी यूज़ किया है बड़ा ग्रेन, आप स्मॉल भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट डाउन करना कि आप नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखनी है, और हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। एंड अभी मेरे पास थोड़े से आइडियाज़ कम हो गए कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। बट आपको भी अगर कुछ लगता है किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए मुझे आप सबको सिखाने के लिए, तो वो ज़रूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।